स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक सोच अपने आप को बदलने की में। आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कई बार एडिक्ट हो जाते हैं सिगरेट पीने के, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके वो एडिक्ट हो जाते हैं और फिर उसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत ट्राई भी करते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो स्टार्ट किए थे स्टाइल से और फिर बाद में वो छुड़ा नहीं पा रहे उस चीज़ को, और बोलते हैं बहुत बार ट्राई करा लेकिन नहीं हो पाता है। तो बात मैं ये सोच रहा था, ये स्टार्टिंग कैसे होती है, क्यों मतलब इस तरीके से ये चीज़ आ जाती है, और कि हम कहते भी हैं कि हमें छोड़ना है, हम छोड़ नहीं पाते हैं। दूसरा, बहुत बार पेरेंट्स या फ्रेंड्स समझाने की कोशिश भी करते हैं ये मत करो, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो पहले तो मैं भी सोचता था यार मैं किसी को भी मोटिवेट करूँगा, और किसी स्टूडेंट को अगर है ये प्रॉब्लम तो मैं इसको मोटिवेट कर दूँगा, वो सही हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जब मैं इसकी जड़ तक गया तो मुझे समझ में आया कि इतना आसान नहीं है। मोटिवेट करने से कुछ नहीं होता है। इसमें रीज़न इसका क्या है कि जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अगर भूख लगी है और मैं आपको मोटिवेट करूं कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन जब तक आपकी जो बेसिक नीड है यानी खाना आपको जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका किसी और काम में मन नहीं लगेगा। सेम चीज़ यहाँ पे कि अगर जैसे जो लोग सिगरेट पीने लगते हैं या दूसरी चीज़ें कोई जो भी चीज़ यूज़ करने लगते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि बॉडी की वो रिक्वायरमेंट बन जाती है। अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो सिर दर्द और अजीब सा लगने लगता है, लगता है जैसे कुछ है नहीं, मतलब बैड फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। अगर वो चीज़ जैसे ही सिगरेट पी ली आप फिर से रिफ्रेश हो जाओगे, फिर से आप काम करने लगोगे, तो एक बेसिक नीड सी बन जाती है। अगर नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करने लगता है, उसे लगता है पता नहीं क्या, और पूरा माइंड ब्लॉक सा हो जाता है। तो वैसे ही देखा होगा अपने एक हैबिट देखी हुई चाय पीने की, जब चाय पीने की आदत होती जब तक चाय नहीं मिलती तब तक हमारा माइंड वर्क नहीं कर पाता है। तो सेम चीज़ सिगरेट के साथ है। तो यानी मोटिवेट करने से नहीं होगा, ठीक है समटाइम्स इट हेल्प्स, बट हमें इससे भी एक ऊपर स्टेप लेना है। तो अब बात करते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हो जाती है। तो क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही रोकना है, क्योंकि एक बार अगर एडिक्ट अगर आप हो गए तो फिर आसान नहीं है, ठीक है मुश्किल तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा मुश्किल रहता है उस टाइम। तो स्टार्टिंग कैसे होती है, जैसे स्टूडेंट्स हैं ग्रुप हैं, अगर किसी ग्रुप में सपोज करो फोर स्टूडेंट्स हैं या फोर फ्रेंड्स हैं वो सिगरेट पीते हैं, और आप अब कोई दूसरा स्टूडेंट है वो उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसकी कहीं ना कहीं मजबूरी है कि उस ग्रुप को अगर ज्वाइन करना है सिगरेट पीना पड़ेगा। क्यों, अगर वो सिगरेट नहीं पिएगा तो इमेज उसकी अच्छी नहीं बन पाएगी उस ग्रुप में, वो कहेंगे अरे ये तो लल्लू है इसको कुछ नहीं आता है, मतलब एक फैशन सा बना हुआ है, ट्रेंड जिसको बोलते हैं। तो उस ट्रेंड के चक्कर में जो स्टूडेंट नहीं भी चाहता है वो स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे वो उस ग्रुप में रहना है। सपोज करो अगर एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, 5 ग्रुप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और एक ग्रुप इस तरीके का है, तो अगर उसको उस ग्रुप में जाना है, अगर उसके कुछ अच्छे फ्रेंड्स उसमें हैं, क्योंकि सिगरेट पीता है इसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे बैड बिहेवियर हैं, तो उस ग्रुप में पहुंचने के लिए उसको सिगरेट पीनी पड़ जाती है। तो अब स्टार्टिंग में क्या होता है, फ्रेंड्स कह रहे हैं अरे मार ले क्या दिक्कत है, एक एक के चक्कर में शुरुआत में तो वो पिलाते हैं फ्री की मिलती है तो पी भी लेते हैं, जैसी आदत बन जाती है फिर तो आपकी बेसिक नीड बन गई, फिर तो आपको यूज करना ही करना है। जैसे कोई कंपनी है कोई प्रोडक्ट आपको देती है, पहले फ्री में दे दिया, फिर अगर आप यूज करने लगे आपको अच्छा लगा आप स्टार्ट कर दिए, फिर रुपए खर्च करने लगे उसके लिए। तो वही चीज़ इसके साथ है, पहले स्टार्टिंग फ्रेंड्स ने दी फ्री में, लो दो मार लो दो से मार लो हो गया, उसके बाद आदत पड़ जाती है, फिर आपको करना है, फिर आपको और ग्रुप, तो उस जो उस ग्रुप में लोग आ जाते हैं तो उनको ये मानना होता है कि अगर इस ग्रुप में रहना है तो मुझे ये पीना पड़ेगा। तो मैं वही कहूँगा कि अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है ठीक है आप करो, लेकिन थोड़ा सा आपको ना कहने की आदत भी होनी चाहिए। जैसे फ्रेंड्स आपका बोले कि भाई मार ले, कह दो भाई यार वो कुछ भी रीज़न दे सकते हो आप, ना पढ़ने के इतने सारे बहाने बना सकते हो, तो क्या आप सिगरेट ना पीने के बहाने नहीं मार सकते, कुछ भी बोल दो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो तुम्हारे क्या हो जाएगा सामने वाले को भी लगे इसको तो प्रॉब्लम है, इसको सिगरेट देने से क्या फ़ायदा। मतलब आप ऐसा भी ना करो कि उनको थोड़ा बैड फीलिंग्स आ जाए आपके लिए, यार ये तो नालायक है ये बद्दू है इसको इससे कुछ नहीं पाए, मतलब आप कुछ अलग टाइप का रीज़न दो जिससे कि आप बच पाओ, क्योंकि आपको तो अल्टीमेट बचना है। क्योंकि मेरे ही फ्रेंड्स थे, अगर मैं आपको बताऊँ मैं 7-8 फ्रेंड थे जब मैं कॉलेज लाइफ में था, तो उस टाइम बहुत मेरे सारे फ्रेंड्स सिगरेट थे पीते थे और मैं नहीं पीता था, मैं अवॉइड करता था। तो आपको भी ट्राई ही करना है कि आपको अवॉइड करना है इस तरीके से जिससे किसी सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगे, क्योंकि आपको अपना काम निकालना है और आपको अच्छे से काम करना है उनके साथ। दूसरा
अगर वो जिद करते तो कोई ऐसा रीजन दे दो, वैलिड रीजन, जो आप स्कूल में बहाना मारते रहते हो होमवर्क ना कंप्लीट करने पे, तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी कर सकते हो। इस तरीके से आप बचो, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में आप बच गए तो आप बच गए, क्योंकि एक बार अगर आपको लत लग गई तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, फिर चाहे मैं जितना भी मोटिवेट करूँ वो भी बेकार है, और फ्रेंड्स आपके करते हैं वो भी आपके लिए बेकार ही होगा। तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि सिगरेट पीना शुरू अगर हम कर देते हैं तो होता क्या है कि हमारी बॉडी एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन जाती है, अगर नहीं पीते तो एंजाइटी और बैड फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बेसिक नीड बन जाती है, तो छोड़ पाना मुश्किल होता है। इसलिए स्टार्टिंग में ही जो भी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं उसमें कुछ लोग पीते हैं तो उनको ना कहने की आदत डालें, अगर फोर्स कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसा रीज़न दे दें जिससे कि आप बच पाएँ और आप अपने अच्छे एक लाइफ जी पाएँ, क्योंकि अगर इन चीज़ों के आप एडिक्ट हो गए तो आपको ही पता है कि लाइफ, पता हम सबको है कि लाइफ बर्बादी होनी है, तो आप ट्राई करें इन चीज़ों से बचें। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी सफल हों, धन्यवाद।